Hello everyone, hi, good evening and most welcome to Physichem Academy. This is Divya Agarwal. So guys, this is our lecture number 2, that is marathon on main group chemistry. So aap apne sare friends ko bula lo. First of all, most welcome to Physichem Academy, and agar aapne abhi tak channel ko subscribe nahi kiya hai to jaldi se subscribe kar lena, theek hai? And apne sare friends ko bula lo, and then we will start with the lecture. Okay, सो लेट अस सी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम गाइज पढ़ेंगे सॉल्वेंट थ्योरी, मतलब कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम कवर अप करने का इसको, ठीक है. कोशिश करेंगे कि आज ये ख़त्म हो जाए आपका 9 बजे से पहले पहले, ठीक है. तो देखो आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट थ्योरी. इन सॉल्वेंट थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपका सॉल्वेंट इंटरैक्शन होता है, ठीक है. देयर इज सॉल्वेंट इंटरैक्शन, एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन में अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, तो आपका जो सॉल्वेंट का इंटरैक्शन हो सकता है वो कैसा हो सकता है, वीक इंटरैक्शन हो सकता है, मॉडरेट इंटरैक्शन हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो सकता है ना. वीक इंटरैक्शन हो सकता है, मॉडरेट इंटरैक्शन, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट इंटरैक्शन हो सकता है, और तीसरा आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन. तो अगर आप वीक इंटरैक्शन की बात करते हो बाय अदर पोलर सॉल्वेंट्स, है ना, जैसे कि CCl4 हो गया, CS2 एटसेट्रा, इसमें क्या होता है, बहुत ही वीक इंटरैक्शन होता है. मॉडरेट इंटरैक्शन आपका दो तरह का होता है, एक होता है नॉन आयोनाइजेबल, जो आयोनाइज नहीं होता, जैसे कि DMSO हो गया, जैसे कि DMF हो गया, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, और दूसरा हो सकता है आपका जो कि आयोनाइज होता है, आयोनाइजेबल. और आयोनाइजेबल कैसे हो सकता है, BrF3 हो सकता है आपका, POCl3 हो सकता है, ठीक है. अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, पानी हो सकता है हमारा, अमोनिया हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, एंड देर कैन बी मैनी मोर, ओके, एट्सेट्रा, ओके. तो जहाँ पे अगर आप सॉल्वेंट की बात करते हो तो सॉल्वेंट आपका कैसा इंट्रैक्शन दे सकता है, वीक इंट्रैक्शन दे सकता है आपके सब्सटीट्यूएंट्स या सबस्ट्रेट्स या रिएक्टेंट्स के पास में. तो वीक इंट्रैक्शन दे रहे हैं, दैट इज CCl4 CS2 हो सकता है. अगर आप मॉडरेट इंट्रैक्शन कर रहे हो तो नॉन आयोनाइजेबल, जैसे कि DMSO DMF, और आयोनाइजेबल जैसे कि BrF3 एंड POCl3 एक्सेट्रा, ठीक है. और दूसरा हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, जैसे कि जहाँ पे पानी, वाटर, अमोनिया, इस तरह के चीज़ें हैं, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा. अब हम आ जाते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्वेंट, ओके. अगर हम सॉल्वेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है गाइस उसकी ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है. ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो अपने आप में ही आयोनाइज होता है, जैसे कि H+ हो गया आपका, OH- हो गया ना, ऑटो आयोनाइज हुआ है, ठीक है. अब H+ को अगर आप पानी दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और OH को अगर आप क्या दोगे, पानी दोगे, तो फिर वो उसका अलग इंट्रैक्शन है, तो H3O+ रहता है. तो मतलब अगर आप 2 मोल्स ऑफ पानी लेते हो, ठीक है, या लेते हैं, लिए जाते हैं, तो आपको H3O+ मिलता है और OH- मिलता है. तो ये क्या हो गया, ऑटो आयोनाइजेशन, मतलब जहाँ पे आपने कोई बेस या कोई सॉल्वेंट या कुछ ऐसा नहीं लिया है, पर पानी अपने आप में ही आयोनाइज हो रहा है. ये तो पानी का एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही आप किसका ले सकते हो, अमोनिया का एग्जाम्पल ले सकते हो. जो आपका अमोनिया है वो भी किस में जाता है, NH2- में और H+ में, और H+ फिर आपका अमोनिया के साथ इंटरेक्ट करके NH4+ बनाती है. मतलब जो आपका अमोनिया है वो ओवरऑल NH4+ एंड NH2- में क्या होता है ना, ऑटो आयोनाइज होता है, ठीक है. तो ये जो आपके स्टेप्स हैं ये क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन को इंडिकेट कर. जल्दी से चिपका लो, फिर आगे चलते हैं. हेलो 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 एवरीवन, आई एम गुड, आई एम गुड. तुम सब ठीक हो ना, चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद में हमारे और भी सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, ओके, जो कि ऑटो आयनाइज करते हैं, जैसे कि HSO3F है. अगर ये टूटेगा तो H+ देता है और SO3F- देता है. अब H+ को अगर आप
एच एस ओ थ्री एफ दोगे तो किस में बदलेगा, एच टू एस ओ थ्री एफ प्लस एंड एस ओ थ्री एफ माइनस में, यानी कि एच एस ओ थ्री एफ को जब आप ऑटो आयनाइज करोगे 2 मोल्स ऑफ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच टू एस ओ थ्री एफ प्लस एंड एस ओ थ्री एफ माइनस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे कि पी ओ सी एल थ्री है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पी ओ सी एल टू प्लस एंड सी एल माइनस। सिमिलरली एक और अलग मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, जैसे कि हमारा बी आर एफ थ्री है, ये भी ऑटो आयनाइज करके बी आर एफ टू प्लस में एंड एफ माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ओके विच कैन बी ऑटो आयनाइज, सो प्लीज कॉपी देन आगे चलते हैं, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट ओके। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो दोस्तों आगे की कहानी कैसी है, अगर आप ए और बी की बात कर रहे हो, अगर ये ब्रेक करेगा तो ए प्लस देगा और बी माइनस देगा, तो ए प्लस क्या है आपका एसिड है और बी माइनस क्या है आपका बेस है। तो अगर आप पानी को ब्रेक करते हो तो क्या करता है, एच प्लस देता है और ओ एच माइनस देता है, यानी कि एच प्लस क्या है आपका एसिड है और ओ एच माइनस क्या है आपका बेस है। इसी तरह से अगर आप अमोनिया को ब्रेक करते हो तो वो एन एच टू माइनस एन एच प्लस देता है, मतलब एन एच टू माइनस उसका बेस है और एच प्लस आपका एसिड हो गया। तो मतलब ऐसे ही आपको सॉल्वेंट जब ब्रेक करता है तो नेगेटिव वाले को एनायन को आपको बेस कंसिडर करना है, ठीक है, एंड पॉजिटिव वाले को एसिड। ठीक है, आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। नाउ सी, अब अगर हमारा कोई सॉल्यूट है, ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके। अब हमारे पास में कोई सॉल्यूट है, ठीक है, इफ वी एड सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, इफ वी एड सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, ठीक है, देन डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट सॉल्यूट, देन डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट, देन डिपेंडिंग ऑन सॉल्वेंट सॉल्यूट कैन, सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्यूट कैन बी एसिड इन नेचर और इट कैन बी बेस इन नेचर। तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपने किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला तो आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूट है वो एज एन एसिड काम करेगा या एज अ बेस काम करेगा। मतलब अगर आपका कैटायन की मात्रा बढ़ जा रही है, अगर मैंने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला उससे कैटायन बढ़ रहा है तो इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट इज एसिडिक इन नेचर। और अगर आपका एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इट मीन्स दैट वो जो आपका सॉल्यूट था दैट वॉज बेसिक इन नेचर। तो बस दैट इज द ओनली थिंग कि अगर आपने किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला और अगर कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्टिंग एज एन एसिड, एंड अगर एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है इट मीन्स दैट इट इज एक्टिंग एज अ बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते, सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल दिव्या पे, सर्च कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करते, पानी में मैंने डाला HCl, ठीक है, तो पानी आपका क्या है, सॉल्वेंट है और HCl आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो मुझे चेक करना है कि सॉल्यूट को इसमें डालने से क्या होता है। तो अगर मैं HCl को देखूं तो वो क्या करता है, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और अगर मैं पानी को देखूं तो वो क्या करता है, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। तो मतलब H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स HCl क्या है, वो एक एसिड है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल वेज में। दूसरा, जैसे कि अगर आपने कोई बेस लिया, से मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में डाला, पानी में डाला, तो अगर मैं NaOH को ब्रेक करती हूँ तो मुझे मिलता है Na+ और OH-
और अगर मैं पानी को ब्रेक करती हूँ तो मुझको मिलता है एच प्लस एंड देन ओ एच माइनस। तो आप देख सकते हो ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इट मीन्स दैट दिस इज दिस एनी ओ एच इज एक्टिंग एज अ बेस इन वाटर। तो मैं यही आपको समझा रही थी कि अगर मैंने किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला है तो सॉल्यूट एज एन एसिड काम करेगा अगर कटाइन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और अगर और एज अ बेस काम करेगा अगर एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, जल्दी से लिखो, आगे चलते हैं। फिर चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नाउ सी नेक्स्ट थिंग इज लाइक हमारे पास में अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3। ठीक है, अब इसको अगर मैंने किसी में डाला, अमोनिया में ही डाला, तो NH4NO3 जब ब्रेक करेगा तो क्या देगा, NH4 प्लस देगा और NO3 माइनस, मतलब NH4 प्लस को मैं NH3 और H प्लस एंड HNO3 माइनस देख रही हूँ, तो मतलब NH4 बढ़ रहा है ना, तो अगर NH4 प्लस है इंक्रीज हो रहा है तो वो एसिड की तरह, मतलब अमोनियम नाइट्रेट NH3 में जाके एज एन एसिड काम करेगा। दिस विल एक्ट एज एन एसिड इन अमोनिया। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, जैसे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया और इसको मैंने अमोनिया में डाला, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या देगा, NH4 प्लस देगा, यानी कि विल इंक्रीज, तो इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया में जाके क्या काम करता है, एज एन एसिड काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर रिएक्शन एज वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से सॉल्वेंट में कौन एज एन एसिड और बेस काम करेगा। ओके अजीत, ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं। नाउ सी हमारे पास में है NH4NO3 इन अमोनिया, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना क्या कर रहा है, अमोनिया को इंक्रीज, NH4 प्लस को इंक्रीज कर रहा है, इट मींस दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड। ओके, और क्या हो सकता है, अगर मैं NaCl को POCl3 में डालूं, ठीक है, तो NaCl को मैंने POCl3 सॉल्वेंट है, तो इससे क्या हो रहा है, सी एल माइनस इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स एन एस सी एल विल एक्ट एज अ बेस इन पी ओ सी एल थ्री। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं लिखती हूँ के एफ और के एफ को मैं डालती हूँ किसमें, बी आर एफ थ्री में, तो के एफ क्या करेगा, एफ माइनस को इंक्रीज करेगा, बी आर एफ थ्री इज अ सॉल्वेंट, तो F माइनस इंक्रीज कर रहा है, मतलब के एफ इज अ बेस इन बी आर एफ थ्री। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ओ टू माइनस की, तो पानी में जाने के बाद में क्या करता है, पानी कैसे टूटता है, H प्लस एंड ओ एच माइनस, और O2 माइनस क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस में कन्वर्ट करेगा, तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो तो OH माइनस इंक्रीज कर रहा है, OH माइनस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, जो O2 माइनस है वो क्या है, बेस है इन वाटर। प्लीज नोट, O2 माइनस बेस की तरह काम करेगा पानी में। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख दूँ, नंबर थ्री, ओके, देन हाउ विल इट विल वर्क, लाइक अगर मैं H प्लस को पानी में डालती हूँ, तो H प्लस को पानी में डालने से क्या होता है, जो मेरा पानी है वो कैसे ब्रेक करता है, वो H प्लस एंड ओ एच माइनस देता है, और मैं H प्लस देखूंगी तो, ठीक है, तो H प्लस जो है वो क्या करेगा, बेसिकली H प्लस ही इंक्रीज करेगा, तो यानी कि वो एसिड की तरह ही काम करेगा, पर अगर मैं H माइनस की बात करूंगी तो वो बेस की तरह काम करेगा, है ना। अगर मैं H माइनस को डालती हूँ पानी में तो क्या काम करेगा, एज H माइनस, यानी कि इट विल एक्ट एज अ बेस ओनली, यहाँ पे इट विल एक्ट एज एन एसिड ओनली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इससे ना यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं फिर। नाउ सी, अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है एच माइनस एन अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया में एच माइनस देते हैं तो बेटा जो एन एच थ्री है वो कैसे ब्रेक करता है, एन एच टू माइनस एंड एच प्लस, ठीक है। तो अगर हम एच माइनस देंगे तो एच माइनस क्या करेगा, उसको तो नलीफाई कर देगा। तो एन एच टू माइनस इंक्रीज कर रहा है, मतलब एच माइनस इन अमोनिया एक्ट एज अ बेस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर ले लूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे ब्रेक करता है, कैल्शियम टू प्लस एंड ओ टू माइनस, ठीक है। तो जो पानी है वो क्या करेगा, ओ एच माइनस एंड एच प्लस देगा। तो एच प्लस ओ एच ओ टू माइनस के साथ मिलके भी ओ एच माइनस ही बनाता है, मतलब ओवरऑल ओ एच माइनस इंक्रीज कर रहा है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस इन वाटर। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू नहीं है तो फिर अब हम बढ़ेंगे आगे, दैट इज हाइड्रोलिसिस की ओर। चलिए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस का मतलब सिंपली क्या होता है, एक तो होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन या फिर इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका सॉल्वेंट क्या है। हाइड्रेशन तब बोलते हैं जब आपका सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है। अगर आपका सॉल्वेंट पानी है इट मीन दैट इज हाइड्रेशन, और सॉल्वेशन मतलब जब आप कोई सॉल्वेंट को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपके पास में पानी है, अब पानी के साथ में और आपने एक बार पानी लिया, ठीक है, तो जो आपका कैटायन है वो इसके साथ में इंटरैक्ट करेगा, और जो आपका एनायन है ना, वो इसके साथ में इंटरैक्ट करेगा, तो ये एकदम से इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रा मतलब पानी या सॉल्वा, यानी कि सॉल्वेंट उसके साथ में क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। और एक होता है हमारा क्या, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो तो जैसे ही आपने लिया, अगर आप हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो जैसे कि आपका ए प्लस है, ठीक है, अब वो पानी के साथ में इंटरैक्टेड तो है ही ना, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, अब इसके साथ में इंटरैक्टेड है। तो अगर आपका ए का जेड इफेक्टिव क्या है, हाई है, अगर ए का जेड इफेक्टिव हाई है तो ए ओ एच बन जाएगा आपका, मतलब ए और ओ एच के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रेशन का मतलब होता है सिर्फ एक इंटरैक्शन, या सॉल्वेशन का मतलब होता है सिर्फ एक इंटरैक्शन, बट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इंटरैक्शन के बाद में रिएक्शन भी हो जाना, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज सॉल्वोलिसिस। तो सॉल्वोलिसिस अगर कोई भी सॉल्वेंट है, और हाइड्रोलिसिस अगर वहाँ पे पानी है तो, ठीक है, बस यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो आपका एनायन आ रहा है उसका जेड इफेक्टिव एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट हाइड्रेशन। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट हाइड्रेशन। अगर हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहला रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द साइज। अगर साइज बड़ा होगा तो ऑफकोर्स उसका पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा और उसकी हाइड्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो आप इनडायरेक्ट कह सको तो ये आप कह सकते हो कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय साइज, है ना, पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सो आई होप किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, है ना, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक, तो अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है PCl3 ASCl3 SPCl3, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो आपके पास में PCl3 है, आपके पास में ASCl3, आपके पास में SPCl3 है,
तो अगर आप जेड इफेक्टिव की बात करोगे तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज साइज ऑफ द एलिमेंट. ओके, सो दिस इज यू हैव टू कंसिडर. एंड ऑल्सो लाइक एक और एग्जाम्पल मैं दे दूंगी आपको, ठीक है. जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में, लाइक वी हैव ए एल सी एल थ्री, एस आई सी एल फोर, पी सी एल फाइव, एस सी एल सिक्स एंड एस एफ सिक्स. अगर आप एस सी एल सिक्स की बात करोगे तो ये तो नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको तो लास्ट में रखना है ना. अब इसकी बात करेंगे तो प्लस थ्री चार्ज है, सिलिकन प्लस फोर चार्ज है, फॉस्फरस प्लस फाइव, यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे तो प्लस सिक्स आपका चार्ज है, ठीक है. तो यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब अगर हम एस एफ सिक्स की बात करेंगे तो भले ही इसमें प्लस सिक्स चार्ज है, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है ना, जब हम इसमें हाइड्रोलिसिस करने चलते हैं. अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करने चलते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के दौरान, जब हम हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे तो जो पानी है उसको अटैक करेगा, इसको निकाल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हिंड्रेंस होती है. तो हिंड्रेंस होने से क्या होता है, रेट आपका डिक्रीज कर जाता है. तो इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे क्या है, पी सी एल फाइव, उसके बाद में क्या है, एस आई सी एल फोर, उसके बाद में है ए एल सी एल थ्री, और लास्ट में आता है एस एफ सिक्स, ठीक है. ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, दिस इज रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस एस एफ सिक्स पे तो चार्ज बड़ा था, तो चार्ज बड़ा था तो उसकी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. बट इसका कारण है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस एस एफ सिक्स ही सबसे कम है इन चारों में से. ऐसा क्यों है, बिकॉज एस एफ सिक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वे में प्रोडक्ट नहीं बन पाता, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती. तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है. जल्दी से देख लो, फिर आगे चलते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नाउ सी, नाउ लेट अस सी द कंडीशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना. अभी हमने देख तो लिए क्वेश्चंस, अब व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो अगर आप हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस की बात करोगे तो पहली कंडीशन है वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट. दूसरा, नो स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. पहला तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसमें, फिर दूसरा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए. तो मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका आपको बताना हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं, ठीक है. बी सी एल थ्री, सी एच फोर, सी एफ फोर, एन एच थ्री, एन एफ थ्री, आई एफ थ्री, आई सी एल थ्री, एन सी एल थ्री, पी फोर ओ टेन, पी फोर ओ सिक्स, पी सी एल थ्री, पी सी एल फाइव, आई एफ फाइव, पी फोर एस टेन, पी फोर एस सिक्स, सी एल टू ओ फाइव, सी एल टू ओ सेवन, आई एफ सेवन, एस एफ सिक्स, एस ओ टू, एस ओ थ्री, बी आर एफ सेवन. ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो बेसिकली बी सी एल थ्री में होता है हाइड्रोलिसिस. ओके, सी एच फोर में नहीं होगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं. आई एफ थ्री में होगा, आई एस सी एल थ्री में भी होगा, एन सी एल थ्री में आपका वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्लोरीन के पास में है तो यहाँ पे भी होगा, पी फोर ओ टेन में होगा, पी फोर ओ सिक्स में होगा, पी सी एल थ्री में होगा, पी सी एल फाइव में भी होगा, आई एफ फाइव में भी इवन होगा, पी फोर एस टेन में होगा, एस सिक्स में होगा, सी एल टू ओ फाइव में होगा, सी एल टू ओ सेवन में होगा, एस एफ फोर में, एस एफ फोर लिखा है मैंने, एस एफ फोर में भी होगा, आई एफ सेवन में होगा, एस एफ सिक्स में नहीं होगा, अभी भी बताया था आपको. एस ओ टू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होगा, और एस ओ थ्री की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी होगा, ठीक है. और बी आर एफ सेवन की अगर आप बात करते हो तो ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. तो ये आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है. आई होप आप समझ पा रहे हो ये वाली चीज़ें, एंड किसी को इस बात में थोड़ी सी भी इश्यू नहीं है, ठीक है. तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि जैम गेट एंड नेट में आए हुए हैं, किसमें हाइड्रोलिसिस होती है किसमें नहीं होती, जो जो एग्जांपल्स आए हुए हैं और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको सारे बता दिए. ओके,
SCL6 क्या पता था SCL6 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नॉट फॉर्म्ड मिस्टर प्रथम, डज नॉट एग्जिस्ट SCL6, तो लिखा ही नहीं है ना SCL6, तो वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, ऐसे दिया था कंफ्यूजन के लिए। SCL6 लास्ट में आ जाएगा, वो तो इंक्लूड ही नहीं किया है ना, जल्दी से लिख लो। यस होगा, जल्दी से लिख लो भाई इसको। हाँ चलिए, सो आई होप यहाँ तक हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नाउ सी, नाउ वी आर राइटिंग द मैकेनिज्म, नाउ वी आर राइटिंग द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम एस आई सी एल फोर की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एस आई सी एल फोर, सो वी हैव एस आई, इसके साथ में हमारे पास में चार क्लोरीन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इसको अगर हम पानी दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, यू नो देयर इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स दिस वाटर विल गेट अटैच्ड एंड दिस पर्टिकुलर क्लोरीन विल गेट एलिमिनेटेड। ओके, तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि एस आई के साथ में आपका पहले तो अटैचमेंट होता है ना, उसके बाद में आपका इस तरह से बनता है ओ एच सी एल सी एल एंड देन सी एल, एंड उस देन उसके बाद में धीरे धीरे तीनों एच तीनों सी एल निकल जाएंगे आपके, और एस आई के साथ में चार ओ एच आपके ओवरऑल आ जाएंगे। सो दिस इज सिंपल सा मैकेनिज्म, जहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले तो वैसे यहाँ पे sp3 होता है, फिर जब वो कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे वाटर ना उसमें एडक्ट के फॉर्म में यू नो फॉर्म हो जाता है, जैसे एस आई सी एल सी एल सी एल सी एल एंड वाटर इस तरह से एडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो ये जो चीज़ बनती है ना एज इंटरमीडिएट, दिस इज sp3d। ओके, एंड देन अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड टू SiOH4 ओवरऑल रिमूवल ऑफ वाटर के बाद। इज दैट क्लियर? सो आई होप लिख लिया होगा आपने, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स करो एंड देन प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, बार बार मैकेनिज्म तो बना नहीं सकते, ऑर्गेनिक तो है नहीं ये, है ना, तो ऑर्गेनिक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स करके प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास में PCl5 है, इसको अगर हम पानी दे दें
तो इससे मैं बनाऊंगी पी ओ ओ एच ओ एच ओ एच, ऐसा क्यों? मैंने पी ओ फोर एच थ्री, एच थ्री पी ओ फोर बनाया, ठीक है? ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर एसिड की देखूंगी तो इस ऑक्सीजन की भी क्या है, माइनस टू, तो प्लस टू हो गया, प्लस टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन, यानी कि प्लस फाइव। तो फॉस्फरस की इस फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ फोर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑल्सो प्लस फाइव, एंड यहाँ पे भी इट इज प्लस फाइव। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो गई है, तो इस वजह से मैं ऐसे फिक्स करके उसको बना सकती हूँ, ठीक है? तो इस तरह से लेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ आर टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो सी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, को हम यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, है ना? जो हमारा हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास में ऐसा ही सी एल फोर है, इसको अगर मैं पानी दूंगी तो सिलिकन ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही ओ एच होल फोर हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर प्लस फोर। एस ओ टू है, इसको पानी देंगे, इसका बनाओ क्या बनता है? थर्ड पी सी एल थ्री का बनाओ, पी फोर ओ टेन का बनाओ, पी फोर ओ सिक्स, पी फोर एस टेन, सी एल टू ओ थ्री, ठीक है? तो मैं बताऊँ, सब में ही पानी डाल रहे हैं हम, सब में ही हम क्या कर रहे हैं ना, पानी डाल रहे हैं। इफ़ यू पुट वाटर इन दिस देन हाउ विल इट वर्क, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप एसओ टू को पानी दोगे तो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, अब प्लस फोर है सॉरी, यहाँ पे है ना। अब आप देखो यार, कौन कौन से एसिड होते हैं जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर होती है ना? तो देख लो कौन सी है, एच टू एस ओ थ्री सल्फरस एसिड, आप बना के देख लो बनेगा। पी सी एल थ्री प्लस थ्री है, तो कौन सा फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पी ओ थ्री बनाओगे तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, क्योंकि इसकी प्लस थ्री है। पी फोर और टेन को अगर आप देखते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फरस की क्या है, प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव वाले का मैं फॉस्फोरिक एसिड बना देती हूँ बिकॉज फॉस्फरस की यहाँ पे प्लस फाइव है। पी फोर ओ सिक्स ये क्या हो गया, ठीक है? अब मैं अगर पी फोर ओ सिक्स की बात करती हूँ तो पी फोर ओ सिक्स में जो फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस थ्री है, तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, एच थ्री पी ओ थ्री बनाऊंगी। अब अगर मैं इधर देखती हूँ टेन में तो प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव में भी मैं क्या बनाऊंगी, एच थ्री पी ओ फोर इसका प्रोडक्ट बनाऊंगी। सी एल में अगर मैं देखती हूँ तो प्लस थ्री है इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर इसकी प्लस थ्री है तो फिर मैं क्या बनाऊंगी प्रोडक्ट, एच सी एल ओ टू। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिलिकन के कौन कौन से एसिड होते हैं, सल्फर के कौन से होते हैं, एच टू एस ओ थ्री एच टू एस ओ फोर है ना, फॉस्फरस के एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री पी ओ थ्री एच थ्री पी ओ टू एच थ्री पी ओ, फिर ऐसी आपका क्लोरीन वाले एच सी एल ओ एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ थ्री एच सी एल ओ फोर, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे प्लस थ्री है तो यहाँ पे भी क्या होगी, प्लस थ्री होगी, समझ पा रहे हो? हाय रघु आई एम गुड। सब में होगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन से बता दूंगी, इसको यूज करो सब बन रहा है, बनाओ जल्दी जल्दी, सब तुम्हें आता है यार, जस्ट रिविजन दे रही हूँ तुम्हें शॉर्ट में। एक ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट होता है ऑक्साइड्स का, वो मैं आगे बताऊंगी, अभी पहले ये वाले तो कर लो, ठीक है? देखो इसको जल्दी, इतने में स्लाइड्स ऐड ऑन कर रही हूँ, यू वांट दी स्लाइड्स ना? आई ट्राई टू कंप्लीट दिस थिंग बाय टुडे।
फाइन, तो आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा, आगे चलती हूँ, है ना। वेज माई पेन जस्ट अ मिनट। हाँ तो ये वाला सारा कर लो, थोड़ी और एग्जाम्पल से वो भी मैं लिख देती हूँ, है ना। तो सी फास्ट फास्ट पढ़ा थी, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सब आता है, जस्ट रिविजन है। प्लस वाटर, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ गाइस। Cl2O7, IF3, IF5, N2O3, N2O5, CLO2, CLO3, NO2, सबको पानी दिया गया, ठीक है। तो Cl2O5 को अगर आप दोगे तो HClO3 बन जाएगा CLH, क्योंकि देखो यार ऑक्सीडेशन स्टेट येलो से लिख रही हूँ, हाँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसकी क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, HClO4 मिल जाएगा। IF3 की बात करती हूँ तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, HiO2। अगर मैं IF5 की बात करूँगी तो यहाँ पे मेरा +5 है, तो +5 से मुझे क्या मिल जाएगा, HiO3, आयोडीन की +5 है यहाँ पे। N2O3 की देखती हूँ तो +3 होएगा, तो +3 में क्या, नाइट्रस एसिड, HNO2। N2O5 की देखती हूँ तो +5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3। CLO2 की देखती हूँ तो यहाँ पे क्या है, +4 है, +4 है, तो फंस गए, फंस गए, तो एक ऊंची बनाओ एक नीची बनाओ, क्योंकि +4 इवन नंबर है, और वहाँ पे क्या होता है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं ना। ये तीनों ही आपके मिक्सड ऑक्साइड ये वाले हो गए ना, जहाँ पे देखो इवन है, नाइट्रोजन +4, क्लोरीन +6, क्लोरीन +4, है ना। तो यहाँ पे हम फंस गए, क्योंकि अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करती हूँ तो +5 है ना, अगर मैं नाइट्रस एसिड की बात करती हूँ तो +3 है, तो ये तो इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो तो ऑड आ रहे हैं, पर ये तो बोल रहा है +4 +6 +4, तो यहाँ पे एक हैक यूज करना पड़ता है, एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है, ठीक है, वो मैं अभी बता देती हूँ, इसको जल्दी से चिपका लो, ये सब ट्रिक ही है, जल्दी जल्दी लिखो, जितनी स्पीड से मैं बता रही हूँ उतनी ही स्पीड से आप भी लिखो, है ना। सो आई थिंक लिख लिया होगा, आगे चलते हैं फिर अभी, है ना। सो लेट अस सी, देखो हमारे बेटा जो ऑक्साइड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, और एक होते हैं हमारे मिक्स्ड ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो हमारे पास में ग्रुप नंबर है और ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर अगर ऑड है और ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑड है, ग्रुप नंबर इवन है और ऑक्सीडेशन नंबर भी इवन है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा N2O5 हो गया, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 है और ग्रुप नंबर भी इसका क्या है, +5 है, सॉरी 15 है ना, तो ऑड है ना वो भी 15, एक तो ये हो गया। अब क्या होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे बनते हैं, ग्रुप नंबर या तो ऑड ऑड या फिर इवन इवन होगा, ठीक है। पर अगर मिक्सड हो गए, जैसे कि ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो गया, ऑड इवन, इवन ऑड, तो अब ये मिक्सड हो गए, है ना, ग्रुप नंबर ऑड हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर इवन हो गया, जैसे कि CLO2 है, तो CLO2 की बात करेंगे, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +4, पर जो ग्रुप नंबर है दैट इज प्लस, मतलब दैट इज 17, है ना। तो यहाँ पे अगर हम CLO2 को पानी देंगे तो इसके दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, एक तो +1 कर दो, एक में -1 कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनो प्लीज। तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ क्या कर दोगे, +1 यानी कि +5 वाला बनाओ, और एक -1 यानी कि +3 वाला बनाओ, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। जब आप CLO2 को दोगे, हर पानी दोगे, तो एक तो मिलेगा HClO3 और एक मिलेगा HClO2, आई एम सॉरी HClO2, हाँ ऐसा क्यों, क्योंकि HClO2 का ये +3 हो गया और ये आपका +5 हो गया, क्योंकि +4 वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाली कहानी आपको देखनी पड़ती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अगर आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ग्रुप नंबर ऑड है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑड है, ग्रुप नंबर इवन है, ऑक्सीडेशन नंबर इवन है, तो तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करके आप प्रोडक्ट बनाओगे,
पर अगर आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है, अगर आपका मिक्स्ड ऑक्साइड है और अगर उसका अगर उसका ग्रुप नंबर ऑड है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इवन है एंड वाइस वर्जा, अगर ग्रुप नंबर इवन है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑड है, तो फिर हमारा जो एसिड बनता है उसका वो या तो इवन होता है या फिर ऑड होता है, तो फिर मैच नहीं करता। तो मैच नहीं करता तो हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4i मान लो, +n i मान लो, तो +n+1 एंड +n-1, तो मतलब +4 है तो एक +5 हो जाएगा, एक +3 हो जाएगा, +6 है तो एक +7 हो जाएगा, एक +5 हो जाएगा, अगर +9 है तो एक +8 हो जाएगा और एक +10 हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? जल्दी 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 चिपका डालो इसको, चिपका डाला तो लाइफ छीन गया लाला। ओके, सो आर यू डन गाइस? चलें आगे। चलो नाउ सी आगे की कहानी क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? किसी को इशू नहीं है? देखो अब है हमारे हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस, दिस इज इम्पोर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस। ओके, तो जैसे हमारे पास में है P4O10, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन लिंक को तोड़ने में पानी कितने लगेंगे ना, वो चीज़ हमें देखनी है। तो अगर मैं देखती हूँ ना, POP बॉन्ड होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए मुझे H और OH चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका पहले तो आपको स्ट्रक्चर देखने का है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले तो इसका स्ट्रक्चर एकदम रट्टा मारना है। ठीक है, मारा बनाए। अब इसके बाद में आपको देखना है कि कितने ब्रेक कर रहे हैं। एक तो यहाँ से ब्रेक करेगा HOH, ठीक है, एक यहाँ से ब्रेक करेगा आपका H एंड देन OH, और एक यहाँ से ब्रेक करेगा OH एंड देन H। तो एक यूनिट को ब्रेक करने में कितना लग रहा है? 1 2 3, है ना? तो कितना हमको यूज करना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है, एक ऑक्सी लिंकेज को, एक ऑक्सी लिंक को ब्रेक करने में कितना लगता है? एक पानी लगता है। तो कितना ऑक्सी लिंकेज है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑक्सी लिंकेज को ब्रेक करने में 6 पानी लगेगा, ठीक है। तो मतलब P4O10 को अगर मैं 6 पानी दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? H3PO4,
एच थ्री पी ओ फोर, और कितने मिल रहे हैं, फॉस्फोरस कितना है, फॉस्फोरस कितना है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, तो चार हैं बस, बन गया प्रोडक्ट। तो याद नहीं करना है आपको, बस पता होना चाहिए हाउ टू ब्रेक। किसी को दिक्कत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आगे चलो, समझ में आ रहा है ना, लिख लिया तो बताओ, आगे चलते हैं। नाउ सी, हमारे पास में P4O9 है, ठीक है, तो P4O9 है तो हम पहले तो स्ट्रक्चर बना दे, बिल्कुल वही है, सेम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। मतलब O9 है तो ऑफकोर्स एक ऑक्सी लिंकेज, वो एक वो नहीं होगा ना, एक डबल बॉन्ड वो नहीं होगा, बस दैट्स इट। तो 1, 2, 3, ठीक है, एक नहीं है। तो पहले तो ये देख लो, ये जो है ना, ये वाला, ये तो टूटने के बाद में क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा H3PO3, ठीक है। बाकी इनका तो तुम्हें पता है, ये जो तीन होते हैं ये क्या करने वाले हैं, ये तीन मिलके बनाने वाले हैं H3PO4 के तीन यूनिट्स, ठीक है। इसमें ऑक्सी लिंकेज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ऑक्सी लिंकेज है, तो यहाँ पे भी 6 पानी ही लगेगा। तो मुझे तोड़ तोड़ के देखने का, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। P4O9 है, 6 पानी दो, बस प्रोडक्ट में वेरिएशन आएगा, 3 H3PO4 बनेंगे और 1 H3PO3 बनेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सी वाला पी डबल बॉन्ड नहीं है, समझ रहे हो, जल्दी चिपकाओ। फिर आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इज दैट डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, वी हैव P4O8 एंड इसको हमने दिया पानी, ठीक है, तो किस तरह से ब्रेक करेगा, पी डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, O8 है तो बस वही दो लिंकेजेस गायब कर देना है ना, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है, एक तो यहाँ से आ जाएगा और एक इस तरह से, तो बस दो गायब कर दो। दो गायब करने से क्या हुआ, शॉर्टकट क्या बन गया अपना, कि जो ये वाला कहाँ गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के तो H3PO3 बनाएंगे कितने, दो, और ये दोनों मिला के तो क्या बनाएंगे, दो H3PO4 बनाएंगे, है ना। ऑक्सी लिंकेज कितने हैं, ऑक्सी कितना है, 6 है, तो पानी कितना लगेगा, 6 लगेगा, तो बस P4O8 को 6 पानी देंगे तो दो H3PO3 बनेगा और दो H3PO4 बनेगा, बस खत्म, क्लियर। चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। P4S10 है, तो P4S10 में क्या करना है, आप देखो यार, PSP बॉन्ड को ब्रेक करने में दो पानी लगता है, दो पानी, ठीक है, तो OHH HOH, ठीक है, PSP को तोड़ने में दो पानी लगता है, PSP बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा ना, दो पानी लगाना पड़ेगा, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, और मतलब
पी फोर एस टेन पहले तो स्ट्रक्चर ही देख लो, है ना। तो आपको थोड़ा सा बनेगा तो वही सल्फर की तो बहन है, सॉरी ऑक्सीजन की तो बहन है सल्फर, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड एस होएगा, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एस होने वाला है। तो अब ये जो डबल बॉन्ड एस वाला है ना, इसको भी कितना पानी लगेगा, इसको भी यहाँ पे दो पानी लगता है, ठीक है। तो मतलब ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 8, 8 पानी तो किसको लगेगा, पी डबल बॉन्ड एस को तोड़ने में, ओके। और दूसरा पी एस पी बॉन्ड को तोड़ने में कितना लगता है, दो पानी लगता है, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कितना लगेगा, पी डबल बॉन्ड 4 पानी लगेगा आई थिंक, यस नो, दो पानी नहीं लगता है गाइस, सॉरी, एक पानी लगता है तो 4 आएगा, ठीक है। 1 वॉट इज इनफ, और यहाँ पे कितना लगेगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12 वाटर। तो 12 + 4 कितना हो गया, 16। तो इसमें 16 पानी चाहिए पूरा का पूरे को ब्रेक करने के लिए। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, P4S10 + 16 वाटर गिव्स गिव्स 4H3PO4 एंड 10 moles ऑफ H2S विल गेट एलिमिनेटेड। क्योंकि जो ये वाला चीज है वो बनाता है H3PO4, और जो ये वाले सल्फर हैं ये क्या करते हैं, H2S एलिमिनेट करते हैं। जितने सल्फर हैं उतने H2S बनेंगे ना, 10 सल्फर हैं। लिख लिया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। S4 नहीं, O4 पानी दे रहे हैं ना, तो सल्फर तो H2S में कन्वर्ट हो गया मिस्टर प्रथम। तो जो H3PO4 बनेगा, H3PS4 नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फर इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ H2S। वन वन वन, ये वन है, तो कितना हो गया टोटल, 4 हो गया ना, 4 × 1 = 4। तो 4 तो पानी इसको ब्रेक करने में लगा, और 12 इसको ना, तो 4 + 12 ही तो 16 हुआ। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। नाउ सी, हमारे पास P4S9 है। P4S9 किस तरह से होता है, पी डबल बॉन्ड एस, ठीक है, चलो P4S9 बना लेते हैं। एस एस बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये S9 हो गया, ठीक है। अब आप देखो यार, P डबल बॉन्ड S कितने बॉन्ड है, 3 है, ठीक है, तो इसमें 3 पानी लगेगा, ओके। और सल्फर कितने बॉन्ड है, PSP कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, तो इसमें 12 पानी लगेगा, है ना, ठीक है, 12 पानी लग रहा है। तो टोटल कितना पानी लग रहा है, 15 पानी लग रहा है। ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई हमारे पिछले वाले उनसे। अब ये क्या देता है, ये देता है H3PO3, ये वाला क्या देता है, ये देता है H3PO4, ठीक है। और H2S कितना बनेगा, 9, 9 है ना सल्फर, तो अगर हम इसका रिएक्शन लेके, +15 पानी क्या देगा, 9 तो H2S देगा, एक H3PO3 देगा, और 3 H3PO4 देगा। कॉमन सेंस से निकाल लोगे अब तो, क्लियर है, किसी को दिक्कत है यहां तक।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना पड़ेगा मतलब। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। क्लियर, नो इशू ना? चलिए ठीक है, ओके फाइन, देन आई